नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme C11 versus Oppo A12 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme C11 में 6.47 इंच जबकि Oppo A12 में 6.14 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Realme C11 से कम है। विड्थ की बात करें तो Realme C11 में 2.99 इंच जबकि Oppo A12 में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Realme C11 में 0.36 इंच जबकि Oppo A12 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme C11 में 196 ग्राम जबकि Oppo A12 में 165 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Realme C11 में 20:9 जबकि Oppo A12 में 19:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme C11 में 6.52 इंचेस जबकि Oppo A12 में 6.22 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme C11 में 720x1600 और Oppo A12 में 720x1520 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme C11 में 82.25% जबकि Oppo A12 में 81.63% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme C11 में 269 पिक्सल प्रति इंच जबकि Oppo A12 में 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme C11 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Oppo A12 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme C11 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Oppo A12 की बात करें तो उसमें 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme C11 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Oppo A12 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 12 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही पावर GE8320 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme C11 में MediaTek Helio G35 और Oppo A12 में MediaTek Helio P35 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme C11 में 2GB की RAM मिलती है, जबकि Oppo A12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme C11 में 32GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Oppo A12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Realme C11 में Android V10Q जबकि Oppo A12 में Android V9.0 पाई देखने को मिलती है। बैटरी Realme C11 में 5000 mAh जबकि Oppo A12 में 4230 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme C11 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 7499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Oppo A12 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 8490 रुपीस
4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹0 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme C11 में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo A12 की तो उसमें 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M01 Core है, दूसरा शाओमी रेडमी 9 प्राइम है, तीसरा ओप्पो A53 2020 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें जियोनी मैक्स है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।